हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपक एलपी। स्वागत है आपका दीपक एडटेक यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और केमिस्ट्री का एक छठा क्लास है। इससे पहले पांच अपलोड हो चुका है, आप इसे देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और उसके बाद पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, मतलब विलयन की जो विशेषता है उसे देखेंगे। तो पहले देखते हैं सॉल्यूशन क्या है, जिसे विलयन बोलते हैं, विलयन हिंदी में। तो देखिए, लिखा है सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू एंड मोर सब्सटेंस। तो सॉल्यूशन क्या है, एक प्रकार का मिक्सचर ही है, लेकिन ये क्या है, समांग मिश्रण है। होमोजेनियस मिक्सचर मतलब समांग मिश्रण। समांग मिश्रण मतलब उसके प्रत्येक भाग का संघटन एक समान होता है। उसे कहीं से भी लेंगे उस विलयन को, मिक्सर को, तो हर जगह उसके जो उसमें घटक तत्व होंगे उनका अनुपात क्या होगा, एक समान होगा। तो क्या होगा, ए सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू एंड मोर सब्सटेंस, मतलब दो या दो से अधिक पदार्थों का जो होमोजेनियस मिक्सचर होता है या मिश्रण होता है, उसे क्या बोलते हैं, विलयन बोलते हैं। और देखिए, मिक्सर में क्या होगा, एक मतलब एक कोई सब्सटेंस होगा उसमें दूसरा सब्सटेंस मिलाएंगे, मतलब एक कोई पदार्थ होगा उसमें दूसरा पदार्थ मिलाएंगे। मतलब यदि दो पदार्थों का मिश्रण है तो उसमें एक तो पदार्थ होगा और एक दूसरे को उसमें मिला देंगे। तो देखिए, इसमें लिखा है सॉल्वेंट और सॉल्यूट, मतलब विलायक क्या होता है और विलेयक क्या होता है। तो विलायक देखते हैं, द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिजॉल्व द अदर कंपोनेंट इन इट। मान लीजिए जैसे पानी है, यहाँ पे बीकर क्या कोई बर्तन है, पानी है, इसमें हम चीनी डाल के और इसे घोल दी, तो यहाँ पे दो कंपोनेंट हो गए, ये क्या हो गया, विलयन हो जाएगा, मिक्सचर हो जाएगा विलयन। और विलयन में दो कंपोनेंट हो गए, एक तो पानी हो गया और एक क्या हो गया, चीनी हो गया। इसमें बोल रहा है द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिजॉल्व द अदर कंपोनेंट इन इट, मतलब जो सॉल्यूशन है उसका एक ऐसा कंपोनेंट जो दूसरे कंपोनेंट को अपने में घोल लेता है, डिजॉल्व कर लेता है, मतलब घोल लेता है, उसे क्या बोलते हैं, विलायक बोलते हैं या सॉल्वेंट बोलते हैं। तो अगर चीनी को पानी में घोलेंगे तो पानी में क्या होगा, पानी में चीनी घुल रहा है, मतलब पानी क्या हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्वेंट हो जाएगा, क्योंकि यही एक है, पानी ऐसा कंपोनेंट है जो चीनी को क्या कर रहा है, अपने में डिजॉल्व कर ले रहा है, मतलब घोल ले रहा है। अब देखते हैं सॉल्यूट क्या है, विलेय, द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज डिजॉल्व इन सॉल्वेंट, मतलब जो सॉल्यूशन है उसका वह कंपोनेंट जो क्या सॉल्वेंट में घुल जाता है, उसे क्या बोलेंगे, सॉल्यूट बोलेंगे। तो यहाँ पानी में चीनी घुल जा रहा है, तो पानी तो सॉल्वेंट हो गया और चीनी क्या हो जाएगा, सॉल्यूट होगा, विलेय होगा। तो आपको विलयन, विलायक और विलेय समझ में आ गया। विलयन क्या है, ये सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू एंड मोर सब्सटेंस, दो या दो से अधिक पदार्थों का क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर है आपका विलयन। और जो विलयन के कंपोनेंट है उसमें एक तो सॉल्वेंट होता है और एक सॉल्यूट होता है, तो जो सॉल्वेंट होता है वो सॉल्यूट को अपने अंदर घोल लेते हैं और जो सॉल्यूट होता है वो सॉल्वेंट में घुल जाता है। आइए देख लेते हैं विलयन के कुछ और उदाहरण, शुगर और वाटर तो बता दिया आपको, टिंचर आयोडीन, टिंचर आयोडीन में क्या होता है, पानी में आयोडीन घोलते हैं तो टिंचर आयोडीन बनता है, वो क्या है, विलयन का उदाहरण है विलयन का। यहाँ पे सोडा वाटर, सोडा वाटर भी विलयन का उदाहरण है। देखिए, लिक्विड को लिक्विड में भी मिला के मिश्रण बना सकते हैं, ठोस को ठोस में मिला के मिश्रण बना सकते हैं, गैस को गैस में भी मिला के मिश्रण बना सकते हैं। तो ठोस में ठोस मिलाना मतलब आपको बताया था कल, ब्रॉन्ज और ब्रास जो कांसा होता है या पीतल होता है वो क्या है, दो धातुओं का मिश्रण है, वो ठोस में ठोस का क्या है, मिश्रण है। और यहाँ पे देखिए शुगर वाटर क्या हो गया, शुगर ठोस का वाटर में, जल में, मतलब ठोस का द्रव में मिश्रण हो गया। यहाँ पे टिंचर आयोडीन क्या है, यहाँ भी ठोस का द्रव में मिश्रण हो रहा है। और जो सोडा वाटर है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होता है उसको पानी में मिलाते हैं, उसको पानी में मिलाते हैं, मतलब यहाँ पे गैस का द्रव में विलयन बन रहा है। तो सोडा वाटर में क्या होता है, आपको बताना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और पानी होता है, पानी में जो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, मिला देते हैं, तो जो मिक्सर बनता है या विलयन बनता है उसे क्या बोलते हैं, सोडा वाटर बोलते हैं। एयर, एयर भी क्या है, एक प्रकार का विलयन है या मिश्रण बोलेंगे, तो विलयन है एयर। और एयर में देखिए आपको परसेंटेज याद रखना होता है, तो जो नाइट्रोजन होता है कितना होता है, 7.78% होता है, 78.9 कुछ करके होता है, तो 78% उसे मानते हैं। उसके बाद जो ऑक्सीजन होता है वो कितना होता है, 20.95, जिसे कि लगभग 21% मानते हैं। जो वायुमंडल है हमारा उसमें जो नाइट्रोजन है कितना होता है, 78% होता है, ऑक्सीजन है कितना होता है, 21% होता है, और जो CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, 0.039% होता है, इसे 0.03% भी बोलते हैं। इसके अलावा एक आर्गन गैस है, आर्गन ये क्या होता है, 0.93% होता है आर्गन गैस हमारा। वायुमंडल में ये कौन सा कितना होता है याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ जाता है, बहुत से लोगों को याद भी होगा लेकिन मेरा बताना तो फर्ज है। ये आर्गन क्या है, आर्गन एक अक्रिय गैस है। तो आपको विलयन, विलायक, विलेय समझ में आ गया, ये समझ में आ गया।
अब देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉल्यूशन मतलब या प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन जो विलयन है उसकी विशेषता क्या है। चलिए देखते हैं, अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन मतलब जो विलयन होता है उसकी विशेषताएं क्या क्या है। तो सबसे पहली विशेषता तो वही है जो आपको डेफिनेशन में बताया था, ये सॉल्यूशन इज होमोजेनियस मिक्सचर, यह एक प्रकार का क्या होता है, समांग मिश्रण होता है। दूसरा है द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन इज स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर, जो सॉल्यूशन है उसका जो पार्टिकल होता है वो क्या है नैनोमीटर से भी छोटा होता है, 1 नैनोमीटर से भी क्या होता है छोटा होता है, किसमें डायामीटर में। तो जो सॉल्यूशन के पार्टिकल होते हैं उनका जो डायामीटर होता है वो क्या 1 नैनोमीटर से भी कम होता है, इसलिए इनको नेक्ड आइज से नहीं देखा जा सकता। सो कांट बी सीन बाय द नेक्ड आइज मतलब नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता, इसको देखने के लिए हमें क्या माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। तो आपको यह ध्यान रखना है कि जो सॉल्यूशन होता है इसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनका डायमीटर कितना होता है, 1 नैनोमीटर से कम होता है, और 1 नैनोमीटर में कितना होता है, 1 नैनोमीटर बराबर 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10^-9 मीटर, 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10^-9 मीटर। तो ये भी याद रखना है आपको, और माइक्रोन क्या होता है 10^-6 होता है। जो तीसरा प्रॉपर्टीज है आपका सॉल्यूशन का विलयन का वो है डोंट स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन, जो विलयन होता है उसके थ्रू अगर कोई लाइट गुजर रहा हो तो उसको बिखेरेगा नहीं, स्कैटर क्या डोंट स्कैटर मतलब ये बिखेरता नहीं, ये प्रकाश के बीम को या लाइट के बीम को क्या करता है बिखेरता नहीं है, जाएगा और चला जाएगा लाइट। चौथा विशेषता है या प्रॉपर्टीज है जो सॉल्यूशन का या विलयन का वो ये है द सॉल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन मतलब छानना। जो हमारा विलयन होता है, विलयन क्या है एक प्रकार का मिक्सचर है, मिक्सचर में क्या होता है सॉल्यूट होता है और सॉल्वेंट होता है, तो जो सॉल्यूट होता है विलेय जो हमारा है उसको सॉल्यूशन से छानने की प्रक्रिया द्वारा क्या सेपरेट नहीं किया जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता, मतलब फिल्टर करके उसे अलग नहीं कर सकते हैं। जो सॉल्यूट होता है उसको सॉल्वेंट से फिल्टर करके अलग नहीं कर सकते हैं, ये क्या हमारे विलयन या सॉल्यूशन की विशेषता है। और लास्ट विशेषता है द सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, दैट्स व्हाई ये सॉल्यूशन इज स्टेबल। तो देखिए जब विलयन है, विलयन हमने बना लिया, अगर विलयन को अनडिस्टर्ब मतलब ऐसे ही रख देंगे तो ऐसा नहीं है कि जो सॉल्यूट है मतलब विलयन के पार्टिकल है वो नीचे बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं है, विलयन में ऐसा नहीं होता है, मतलब विलयन क्या होता है स्टेबल होता है। तो आपको 5 प्रॉपर्टीज बता दिया, सबसे पहला क्या है यह एक समांग मिश्रण है या होमोजीनियस मिक्सचर है, दूसरा है इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ये 10^-9 मीटर यानी कि 1 नैनोमीटर से इनका जो डायमीटर है वो कम होता है, होता ही इन्हें खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं मतलब नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। तीसरा है यदि इनके तरफ इनसे होते हुए कोई लाइट बीम गुजरता है तो उसे स्कैटर नहीं करेंगे यानी कि फैलाएंगे नहीं। चौथा प्रॉपर्टीज है जो सॉल्यूट के पार्टिकल हैं, विलेय के पार्टिकल हैं उन्हें छानकर अलग नहीं किया जा सकता है, मतलब फिल्ट्रेशन के द्वारा उन्हें सेपरेट नहीं किया जा सकता है। और पांचवा प्रॉपर्टीज है यदि इसे अनडिस्टर्ब रख दिया जाए, सॉल्यूशन या विलयन को ऐसे ही रख दिया जाए तो ऐसा नहीं है कि जो सॉल्यूट पार्टिकल है वो नीचे बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं है, यानी कि जो सॉल्यूशन होता है या विलयन होता है ये क्या होता है स्टेबल होता है। तो हमने आज के वीडियो में विलयन, विलायक, विलेय और विलयन की प्रॉपर्टीज देख लिया, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।